डेंड्रफ और हेयर फॉल की समस्या। देखिए ये अभी मैं सिर झाड़ने लग रहा था तो देखिए कितना डेंड्रफ और बाल कितने झड़ गए। देखिए इस साइड भी दिखाई कितने बाल झड़ रहे हैं। अर्शिर में देख मेरा डेंड्रफ कितना है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता VHA हेयर क्लिनिक जींद से। आइए आज हम हमारे पेशेंट से मिलवाते हैं। और जैसे कि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको HRP के बारे में बताया था। HRP नॉर्मल हेयर केयर रूटीन के लिए यूज कर सकते हैं। आइए, जैसे सर अभी हमारे पास, सर की 55 प्लस एज है और ये अभी हमारे पास आए हैं बालों के नॉर्मल केयर के लिए, तो हमने इनको एडवाइस किया HRP की। आप HRP करवाइए, उससे डैंड्रफ फ्री रहेंगे, बालों में स्मूथनिंग रहेगी, टेक्सचर बालों का अच्छा रहेगा और बालों की ग्रोथ आएगी। तो बताइए सर, अभी कैसी कंडीशन है आपकी? मैं आज डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी से बात करी है मेरे से और अच्छी बातें करके बताया कि 2-3 महीने में आप इलाज कराओ और बाल मेरे बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो किस प्रकार की समस्या थी बालों में? मेरे बाल उड़ने शुरू हो गए थे, कम हो गए थे बाल, तो थोड़ा गंजापन आ गया था। तो मैंने सोचा बाल रुकने चाहिए बाल यहीं पे। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा है कि बाल बिल्कुल यहीं रुक जाएंगे, झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और जो यहाँ से जी गंजापन भी नजर आ रहा है, ये भी ठीक हो जाएंगे बाल, सब मेरे यहीं रुक जाएंगे। डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा है, दवाई दी है। देखिए, एज के अकॉर्डिंग हेयर फॉल आता है, वो एक नॉर्मल पैटर्न है, तो उसका कंसर्न ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज के हिसाब से इनके बाल अभी देखना आप, रिजल्ट कैसा रहता है। और ये क्या, इनसे जो बालों में, जैसे इन्होंने मुझे कंप्लेन किया था कि बालों में जान नहीं रही, तो वो वापस से आ जाएगी इससे ना। और हम जैसे एज के अकॉर्डिंग इनको ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, इवन नॉर्मल हेयर केयर के लिए है ये, कि आप नॉर्मल अपने बालों की सिर्फ केयर करके रखें रूटीन में, और वो सबसे बेस्ट है जो कि आज के टाइम में हम कर नहीं पा रहे हैं। मैम, ये तो केयर के लिए होगी। अगर किसी की समस्या है, मतलब बाल झड़ रहे हैं या गंजापन आ जाए है, हर पेशेंट को हम PRP या दवाइयां नहीं दे सकते कुछ, तो ये एज ए ट्रीटमेंट भी आपको इफेक्टिव रहेगा। जैसे रिबॉन्डिंग में बाल खराब होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है ये। नॉर्मल हेयर फॉल इससे कंट्रोल हो जाता है, जो लेडीज में प्रेगनेंसी के बाद या टेलोजन एफ्लियम बोला जाता है, वो इससे कंट्रोल हो जाता है। और डेंड्रफ में बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये। और मैम, इस तरफ है जो वॉश किया जा रहा है, इसका क्या कुछ ट्रीटमेंट है मैम? देखिए सर, इनको डेंड्रफ की प्रॉब्लम है और डेंड्रफ और हेयर फॉल है, जो कि अभी ईचिंग बता रहे हैं। ये सर्दियों में डेंड्रफ की समस्या थोड़ी सी, हाँ डेंड्रफ थोड़ा ज्यादा है, तो ये एज ए ट्रीटमेंट इसको ले रहे हैं, तो ये इनको डेंड्रफ में आसानी रहेगी और हेयर फॉल में भी आराम रहेगा। इससे इनका भी हम HRP थेरेपी करेंगे। अभी अभी ये फर्स्ट स्टेप है, इनका हेयर वॉश किया जा रहा है, उसके बाद स्पा क्रीम लगाई जाएगी, फिर मसाज की जाएगी। तो मैम, जो इनको डैंड्रफ है और बाल झड़ते हैं, वो कितने दिन के बाद है जो इनको आराम लग जाएगा? डैंड्रफ में सर देखो, 2-3 सिटिंग में इनको आराम आ जाएगा और हेयर फॉल वही 3-4 मंथ में कंट्रोल हो जाता है। ये क्या स्ट्रीम है जी? हाँ, ये स्टीम दी जा रही है अभी ना, स्टीम के से क्या है, वापस से बालों में जैसे पोर्स इनके वापस खुलेंगे, इसलिए। डॉक्टर कविता जी हमारे साथ है, जो इसके बारे में पूरे बताव में पूरी जानकारी देंगे और किस तरह से ट्रीटमेंट किया जावा, और हजारों पेशेंट है जो यहाँ से ठीक होकर चले गए, जो खुश हो गए हैं। मैं अभी आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? जो अभी देखिए सर, अभी स्टीम के बाद इनको ना एक लेप लगाया जाता है, वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है कि अगर ऑयली डैंड्रफ है तो हम अलग लेप यूज करेंगे, ड्राई डैंड्रफ है या हेयर फॉल है या बाल सफेद है या किसी के बाल बढ़ नहीं रहे हैं, तो उनके हिसाब से उनको लेप लगाया जाता है और उसके बाद आधा घंटा छोड़ के वॉश कर दिया जाता है और फिर रेडी है आपका ना। मैम, किस तरह से पता चलेगा कि ये समस्या इनको है? कोई मशीन आपके पास जिससे जांच करी जाए? मशीन होती है सर, और पेशेंट से जब बात करते हैं तो उससे हमें आइडिया हो जाता है, और नीट लगती है तो हम टेस्ट भी करवा लेते हैं, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि क्या कंडीशन चल रही है अभी। बालों की किसी प्रकार की समस्या हो, उसका जो यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जावा है, तो हमने एक पहले वीडियो डाली थी, तो अंकल जी और आंटी जी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो किस तरह का यहाँ का अनुभव लग गया है जो इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है? आंटी जी नमस्ते। नमस्कार आंटी जी, कैसे पता चला था आपको यहाँ का क्लिनिक का? ऐसे है, क्लिनिक के बारे में मैं बस फेसबुक सर्च कर रही थी और मेरे हस्बैंड है मिस्टर विजय जी, जी उनको एज 55 के हिसाब से हेयर थिनिंग हो रहा था और वो स्ट्रेस थे कि मेरे बाल झड़ रहे हैं और रुकना चाहिए, तो मैंने सोचा कि आयुर्वेदिक क्लिनिक है, एक बार चल के देखते हैं। तो यहाँ आए, यहाँ हमें डॉक्टर साहब से मिलके बहुत बढ़िया लगा, उनका जो बातचीत का तरीका है और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं,
वो मुझे द बेस्ट लगी। मैं जींद की आम जनता से रिक्वेस्ट करूंगी कि बालों को लेके बूढ़े बच्चे और जवान किसी भी तरह की समस्या हो तो डॉक्टर साहब से आए मिलें। बहुत ही अच्छा कंसर्न रहा और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट का लाइन रहा। आंटी जी जो वीडियो में बोला था उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि बालों का झड़ना है, जो गंजापन हो जाए या फ्यास हो जाए। देखो अब हम सब जानते हैं कि जो हमारा लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, भाग दौड़ की जिंदगी है ना, खान पान अपना टाइम से नहीं हो पाता। और मेरे ख्याल से इन सब के चलते हुए अगर हम आयुर्वेदिक क्लिनिक पे आए हैं तो एटलीस्ट हमें एक अच्छी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो मिल रहा है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, मेरे हिसाब से बींग अ मेडिको। तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा और जनता जब आएगी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके और सॉल्व होंगे तो श्योर कि वो अच्छा ही महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच। अंकल जी किस तरह ट्रीटमेंट किया यहाँ पर डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने पहले तो मेरे सिर के दवाई भी लगा के धोया, फिर उसको मालिश करी है, उसके बाद अब मेरे को ऐसा लग रहा है बाल भी हल्के हो गए हैं। अच्छा, बहुत अच्छे बाल लग रहे हैं मेरे को, महसूस हो रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को। और सबको आना चाहिए यहाँ पे अपने बालों को, नहीं तो बड्डे जल्दी हो जाएंगे। स्वभाव किस प्रकार का डॉक्टर? स्वभाव डॉक्टर A1 बहुत टॉप का वो है, खुश रहती हैं और मेरे को भी खुश कर दिया। जितने भी पेशेंट आते हैं सारे खुश होकर जाते हैं। जो और लोग वीडियो देख रहे हैं जिनको बाल समस्या, उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको सबको ये कहूँगा कि एक बार जींद में आओ और डॉक्टर से मिलो, अपने इलाज कराओ, बाल यहीं रुक जाएंगे। तो अंकल जी और आंटी जी ने बातचीत करो, जो वीडियो देख कर यहाँ पर पहुंचे थे, जिस किसी के बाल झड़ रहे हैं, गंजापन हो जाए, प्यास हो जाए, किसी प्रकार की बालों की समस्या हो, तो आयुर्वेदिक तरीका था जो यहाँ पर इलाज किया जावा है और डॉक्टर साहब का अच्छा अनुभव है। हजारों पेशेंट यहाँ पर आए जिनका इलाज हुआ, जिनके बाल भी उगे हैं। तो स्क्रीन पर नंबर दे दिए हैं, अगर कोई भी पेशेंट है जो जिसको बालों की समस्या किसी प्रकार की, तो संपर्क जरूर करें। मैम अंकल जी को किस प्रकार की समस्या थी बालों को लेकर? देखिए अंकल जी को एज के अकॉर्डिंग थिनिंग थी और थोड़ा सा ड्राइनेस से रफनेस हो रखा था बालों में, फ्रिजीनेस थी, तो वो सब HRP से ठीक हो चुका है। तो मैं यही कहूंगी, देखो जिनको भी अगर कोई आप एज ए ट्रीटमेंट ना लें, HRP आप नॉर्मल अपना हेयर केयर रूटीन में रखें, HRP को आप एज ए ट्रीटमेंट ना लें, अपना नॉर्मल हेयर केयर रूटीन में अपना कर रखें, तो इससे आपके बाल ऐसे ही बने रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और मैं यही आशा करती हूँ सबसे कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू अंकल जी। कितना संतुष्ट हो? 100% 100% सभी को आना चाहिए, बाल यहीं रुक जाएं, जो गंजे हैं उनके बाल आ जाएंगे। प्लीज आओ यहाँ पे जींद में, मतलब जवानी वाले फीलिंग ले रहे हैं अंकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।